नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् प्राणिनामार्तिनाशनम्। अर्थ है, हे प्रभु, ना तो मुझे राज्य की कामना है और ना ही स्वर्ग चाहिए, ना ही पुनर्जन्म चाहिए। मुझे तो दुख में जलते हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश करने की शक्ति चाहिए। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। हेलो, आज रात हम लोग जा रुकने हुआ करीब 4000 फीट के हाइट पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये रोड, आप इस रोड के बारे में बताइए। अभी तो कुछ जगह डबल लाइन थी, अभी सिंगल लाइन है, कुछ जगह अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये रोड जो है 90s में बना है, लगभग 99 वगैरह में हमारा ताटो में बस्ती में कनेक्ट हुआ कच्चा रोड। अभी लास्ट 2-3 साल से डबल लाइनिंग का काम चालू है। ये मतलब कि BRO के द्वारा बनाया जा रहा है या फिर किनियार के द्वारा, आपको ये पता है या नहीं? ये BRO के द्वारा ही बना रहा है। इस रोड से पहले कैसे आपका आवागमन था, ट्रांसपोर्ट कैसे था? इस रोड से पहले हम लोग पैदल ही चलते थे, लगभग जंगल होके जंगल कैंप होके जाते थे। बीच में डिफेंस लोग रहते थे, डिफेंस का भी आना जाना होता था, उसी कैंप में हम लोग सो जाते। और हम लोग यहाँ से एक नज़दीक टाउन है आलो में पढ़ने जाते थे। जैसे वहाँ में स्कूल से होता था, हमारा वो अच्छा स्कूल नहीं, और हायर स्टडीज के लिए सेकेंडरी स्कूल हायर के लिए वहाँ ही जाना पड़ता था। आलो पहुँचने में कितना टाइम लगता था आपको? आलो पहुँचने में हम लोग को 4 दिन लगते थे जंगल के रास्ते, और जब ये रोड बनते थे उस समय हम लोग 3 दिन में पहुँच जाते थे। अच्छा, रोड से पैदल? रोड से। और इससे पहले हम लोग वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस हुआ करते थे, जैसे दिपेज लोग के लिए राशन वगैरह ड्रॉपिंग के लिए, उसमें हम लोग भी कभी कभी आना जाना होता था। और पिछले कई दिनों से आधा रोड तो बन चुका है, और इधर लॉन्ग जाने तक 20 या 25 किलोमीटर रोड अभी नहीं बना है, तो यहाँ पे पहाड़ को काट कर रोड भी बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट है आगे लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का पहले नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया जाता था कुछ 5-6 साल पहले, अब नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पहले माना जाता था नॉर्थ ईस्ट को कि अपने लोग नहीं है या फिर ऐसा कुछ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी सभी लोग भारत एक के अभिन्न अंग हैं, और सभी एक साथ सभी जगह डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और आई थिंक ये सब रोड BRO के द्वारा ही बनाया जा रहा होगा। और अभी हम लोग यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, हमारे साथ एक यहाँ पे सोशल वर्कर है, और उनसे अभी हम थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मानना है और क्या बोलना है, तो चलते हैं अभी उनके पास। आपका क्या नाम है? मेरा यचक भुई। मेरा ये बस्ती पीडी बस्ती है, पीडी सर्कल है, पीडी सर्कुलर होने से भी हम लोग का रास्ता ऐसे ब्रिज एकदम ब्रिज नहीं है, इसलिए हम लोग दवाई भी बीमार होने से भी दवाई नहीं मिलता है।
इसलिए ये डॉक्टर सर आने वाला लोग को थैंक यू, ऐसे करते रहिए। हम लोग ऐसे बीमार होने से भी अपना से तीखे खाट के कभी कभी उधर एलोंग में जाता है, कभी कभी मानंग जाता है, कभी कभी तत् हो जाता है, फिर भी हम लोग अच्छा वाला दवाई नहीं मिलता है गवर्नमेंट से लेने से भी। हम लोग ऐसे करने से और बार बार एक साल में आके हम लोग को ऐसे मदद करिए, डॉक्टर साहब लोग को थैंक यू बोल रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इन लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो अभी हम लोग बहुत पहाड़ी पे बहुत ऊंचे पे हैं, तो यहाँ से जाने पे कम से कम 100 या 150 किलोमीटर आलो पड़ता है, तो जाके वहाँ पे इनको डॉक्टर मिलते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग हमेशा कम से कम इस साल भर में एक बार आके यहाँ पे हम लोग को सेवा करें और उनका चेकअप करें। तो और यहाँ पे और क्या बोलना चाहते हैं आप? और हम लोग ऐसे बोलना चाहते हैं कि हम लोग का सर्कुल होने से भी अभी सीओ भी नहीं है और रास्ता को भी क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत है, एकदम तकलीफ है, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है। हम लोग अभी दवाई को लेके दूर में जा रहा है अभी, आप लोग एकदम तो हम लोग आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे दवाई लाए हैं, जिनको भी दिक्कत है सबको दवाई देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चीनी भैया है, उनके कुछ दिक्कत होगा तो उनको भी बता सकते हैं, हम लोग बाद में भी कभी कुछ आपको हेल्प करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ओके थैंक यू। और कहाँ तक खेले और कहाँ कहाँ भी आपका आगे का क्या प्लान है? बचपन से यहाँ में सीखा अपना जगह में, दीदी लोग को देखते हैं, मेरा खुद का असली दीदी लोग वो फुटबॉल खेलते हैं तो उधर से देख के सीख लिया। और इसके बाद हम लोग को स्कूल का तरफ से बहुत बार जाने मिले, तब से हम लोग को अच्छा से खेलने के लिए हम लोग को प्रैक्टिस करो बोले, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू किया। इसके बाद हम लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलेक्ट किया, फिर उधर हम लोग खेले जीता भी है हम लोग, इसके बाद हम लोग स्टेट लेवल गए। कौन सा स्टेट से, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से खेलते हैं या फिर आसाम से? हम अभी तक उधर तक तो नहीं पहुंचे हैं, पर कोशिश करेंगे उधर तक पहुंचने के लिए। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े? हम पढ़ाई 10th में कर रहे हैं, क्लास 10th में। उसके बाद आगे क्या प्लान है, साइंस लेना या आर्ट्स लेना है? पता नहीं उधर तो। अच्छा, उसके आगे भी सोचे नहीं है, है ना, अभी गेम पे ज्यादा फोकस है। ओके, तो आपका घर इधर ही अगल बगल में? जी। सुनील कर्मकार बनिक। सुनील कर्मकार बनिक। जंकी देवी आसे नेकि? जंकी देवी सर भी जिंदा है, चक्कर आता है तो बीपी आ रहा है, वही ले लो। मुर्ग नॉर्थ ईस्ट चलो डॉक्टर को सीमा को चाबा चाबा दो तो बिन हर प्रोग्राम नहीं गया उनमें गैर सी चार पेपर का की मानो सी ना तो मुझ कौन कौन चाबे का हो दो मतलब उनमें ने सी ना दो तो आपने ना अभी हेलो दू मन मन में जिए मनो आलो या तुम्हें चुका तापो मन लोग मंगाला दो ही डॉक्टर को तो नहीं डॉक्टर ओम जी।
बढ़िया थी। अच्छा, वेरी गुड। ये क्या काम करती थी, किस किस काम के लिए आती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली हम लोग बजाएंगे। दांत, मुंह, नाक, आँख, कान, आँख, कान, कान, नाक। देखो सब गलत पकड़ लिया, सब गलत पकड़ लिया, सब गलती कर दिया। चलो फिर से शुरू करते हैं। तीन। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। जब तुम कहोगे और बोलो, और बोलो। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से सेशन रखा गया है। उन लोग को प्रॉपर केयर और एल्बेंडाजोल का सिरप दिया जाएगा और उनके साफ सफाई का कैसे रखना है वो बताया जाएगा। साफ होने चाहिए बच्चों को। सब समझ कर करना है बच्चों के नाखून। सभी को एल्बेंडा जो लेक्सास पिलाया जा रहा है। सभी को एल्बेंडा जोल पिलाया जा रहा है यहाँ पे। चलो बहुत अच्छा, सब लोग अपना बॉक्स बंद करोगे।